हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वाटर एक्ट के बारे में बात करेंगे। एनवायरनमेंट का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर एक्ट 1974। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है वाटर एक्ट के बारे में पूछना, तो आप इसको ऐसे शुरुआत करेंगे कि वाटर एक्ट जो है वो हमारे देश में आया था 1974 में, और ये कुछ स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल था, सारे स्टेट्स ने या ओवरऑल इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था वाटर एक्ट। वाटर एक्ट एप्लीकेबल था कुछ स्टेट्स के ऊपर, जैसे कि असम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, एमपी, हरियाणा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज। ये इन लोगों ने वाटर एक्ट को साइन किया था। बाकी अगर कोई स्टेट इसको अडॉप्ट करना चाहती थी तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको अपने स्टेट में अप्लाई कर सकती थी, बट सबने नहीं किया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड टू रीस्टोर एंड मेंटेन द होलसमनेस ऑफ वाटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होलसमनेस ऑफ वाटर? होलसमनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी की प्योरिटी। प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था कि आपकी गवर्नमेंट कोशिश करे कि पानी की जो होलसमनेस है उसको मेंटेन रखे, उसको रीस्टोर करे और उसमें पॉल्यूशन कम से कम हो, ये कोशिश करे। ये पावर देती है एस्टेब्लिश करने के लिए बॉडीज, मतलब वाटर एक्ट कहता है कि आपको अलग अलग बॉडीज एस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए जो अलग अलग अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया के अंदर काम करे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट बोर्ड एस्टेब्लिश करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल बोर्ड एस्टेब्लिश करना चाहिए, और कुछ जगह पर ज्वाइंट बोर्ड बनना चाहिए जहां पर अकेले स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या दो से ज्यादा स्टेट इकट्ठे काम करती है, वहां ज्वाइंट बोर्ड बन जाए। और साथ ही साथ ये बताती है कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। इस एक्ट का सेक्शन 2 बताता है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाते हैं पोल्यूशन आने की वजह से, और किस तरीके से वाटर न्यूसेंस को रोका जाए। न्यूसेंस वर्ड यूज करने का मतलब यह है कि किसी भी जगह जहां डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो पानी का पोल्यूशन वाटर न्यूसेंस कहलाता है, एयर का पोल्यूशन आपका एयर न्यूसेंस कहलाता है, नॉइज का नॉइज न्यूसेंस कहलाता है। तो इसको आप पोल्यूशन वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं न्यूसेंस से। तो वाटर न्यूसेंस को रोकना इसका एक एम था, वाटर एक्ट 1974। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 3 में एजेंसी सेट की गई वाटर एक्ट में। पहली एजेंसी थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऐसी एजेंसी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश की जाती थी। एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिस निकालकर एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाता था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप शॉर्ट में सेंट्रल बोर्ड भी कह सकते हैं। इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इसके अंदर टोटल 17 मेंबर्स होते हैं। उन 17 मेंबर्स में पहला एक चेयरमैन होता है जो कि एक्सपर्ट होता है एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। इसके बाद 5 लोग होते हैं इसके अंदर, 5 ऑफिशियल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5 ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 होते हैं जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और फिशरीज डिपार्टमेंट से होते हैं, 2 होते हैं जो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 इसमें परमानेंट सेक्रेटरी होता है जो एक्सपर्ट होता है अपने ज्यूरिसडिक्शन का, अपने एरिया का, मतलब एनवायरमेंट का एक्सपर्ट होता है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर 17 मेंबर हो गए। आप इसको याद कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक जो मैंने याद किया है वो बता देती हूँ, 155321, 155321। तो आप इस तरीके से याद कर ले और इसका सीक्वेंस ऑर्डर याद कर ले, ये आपको आगे भी काम आएगा क्योंकि स्टेट बोर्ड में भी सेम ही सीक्वेंस है। तो 155321 ऐसे याद कर लीजिए, पहला चेयरमैन, फिर 5 मेंबर्स सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट के, 5 मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट से, 3 एग्रीकल्चर ट्रेड फिशरी से, 2 कंपनी से और 1 सेक्रेटरी। तो इस तरीके से आप इसका कॉम्पोजिशन याद कर सकते हैं। तो वाटर एक्ट के सेंट्रल बोर्ड के अंदर ये कॉम्पोजिशन होता है। अब सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड? अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यही वाला क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर दें, अगर यही वाला आ जाता है आपको 10 मार्क्स में तो आप एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दें, और अगर वाटर एक्ट आ गया आपको 4 नंबर में जो कि नहीं आने की पॉसिबिलिटी, तो आप इसके से नाम नाम लिख कर आ जाए। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, पहला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एडवाइस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ये कि आप इसको, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करती है, सेंट्रल बोर्ड एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको किस तरीके से वाटर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल पाना है। सेकेंड इज कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अगर स्टेट बोर्ड की कोई ऐसी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना भी सेंट्रल बोर्ड का ही काम है।
टेक्निकल असिस्टेंस देना स्टेट बोर्ड को, इन्वेस्टिगेशंस करना, इंस्पेक्शंस करना, मतलब आप कहीं पर किसी भी फैक्ट्री में जाके, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाके सैंपल्स उठा सकते हैं उनके, और सैंपल्स उठा के आप उसको रिसर्च के लिए भेज सकते हैं, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, और कोई आपको उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, किसी को राइट नहीं है उसमें ऑब्जेक्शन करने का. देन रिसर्च कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. अगर कोई वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो उस पर रिसर्च करना, कंट्रोल करना, और बीच में दखल अंदाजी करना भी आपका राइट है सेंट्रल बोर्ड का. देन ट्रेनिंग द पीपल हु वर्क फॉर प्रिकॉशन ऑफ पोल्यूशन, उन लोगों को ट्रेन करना जो लोग पोल्यूशन को रोकने की ट्रेनिंग लेते हैं, उन लोगों को ट्रेन करना और उनको एक्स्ट्रा चीजें बताना कि किस तरीके से वो इन चीजों को और कंट्रोल कर सकते हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाना, लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करना, ये सारे आपके सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस में आता है. अगर हम इसके और डिटेल देखेंगे तो हम इसके लास्ट में बहुत सारे इसके फंक्शंस करेंगे, जो कि कंबाइंडली बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्टेट बोर्ड करता है एडवाइस कर कि किस तरीके सेंट्रल बोर्ड एडवाइस करता है स्टेट बोर्ड को कि किस तरीके से उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इस एक्ट के अंदर सेंट्रल बोर्ड को एक्सेसिव पावर्स दी गई हैं कि वो स्टेट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकती है, उसकी एक एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाकर बिना किसी को इन्फॉर्म किए घुस सकते हैं, ऑक्यूपायर को जाके उनको हेल्प भी करनी पड़ती है. ऑक्यूपायर इज अ पर्सन हु इज मैनेजिंग द थिंग्स. ऑक्यूपायर का काम है उनको हेल्प करना. अगर इनकेस ऑक्यूपायर उनको हेल्प नहीं करता, उसको कॉपरेट नहीं करता, तो बिना ऑक्यूपायर के भी वो जाके उस फैक्ट्री में, उस एस्टेब्लिशमेंट में सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, वो सारा इनका काम है. इसके अलावा लेबोरेटरीज में सैंपल्स भेजना, सैंपल्स को सील लगाकर अपने साथ ले जाना, ये सारे फंक्शंस इसके हैं. ये सारा का सारा सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन है. इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 4 की, तो उसमें आता है स्टेट बोर्ड. आप पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड सेम कॉपी करेंगे सेंट्रल बोर्ड वाला ही, सेम वही चीजें हैं इसके अंदर की. स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है इसको, एंड इसके अलावा ये लोकल बॉडीज के ऊपर इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है, और इसका कॉम्पोजिशन भी सेम है. बस इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जहां पर वहां आपके सेंट्रल बोर्ड के अंदर 1, 5, 5, 3, 2, 1 थे, वहां पर 5 सेंट्रल बोर्ड के, 5 स्टेट बोर्ड के थे, यहां पर 5 स्टेट बोर्ड के, 5 लोकल बॉडीज के हो जाएंगे. साथ में आपका जो नीचे आ रहे थे आप, उसमें लोकल अथॉरिटीज पे फंक्शन में लोकल अथॉरिटीज के जो फैक्ट्रीज है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर इनका कंट्रोल होता है. जैसे सेंट्रल बोर्ड का स्टेट बोर्ड पे कंट्रोल होता है, वैसे ही स्टेट बोर्ड का लोकल अथॉरिटीज पे कंट्रोल होता है. बस इतना फर्क है, अदरवाइज यू हैव टू कॉपी सेम ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड. फाइनली लेट्स टॉक अबाउट ज्वाइंट बोर्ड. ज्वाइंट बोर्ड अगर आप लिखेंगे तो सेंट्रल और स्टेट का टू स्टेट बोर्ड मिलाकर एक ज्वाइंट बोर्ड बनाते हैं. दो टू और मोर स्टेट बोर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर या यूनियन टेरिटरी मिलाकर भी ज्वाइंट बोर्ड बनाते हैं. इसके कॉम्पोजिशन में फर्क है. इसके कॉम्पोजिशन में कौन कौन आता है? पहला एक चेयरमैन, वन पे चेयरमैन आता है. फिर दो मेंबर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से. एक नॉन ऑफिशियल मेंबर होता है जो स्टेट के से होता है, एग्रीकल्चरल फिशरी और ट्रेड को जो देखता है. टू मेंबर होते हैं कंपनी से, और एक फुल टाइम सेक्रेटरी होता है. तो थोड़ा सा ही चेंज है कॉम्पोजिशन में. वहां 1, 5, 5, 3, 2, 1 था, यहां 1, 2, 1, 2, 1. तो बीच के दो चेंज हो गए, 5, 5 की जगह 2 और 1 हो गया. इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए इसके फंक्शंस, तो सेम फंक्शंस आपने लिखने हैं कि ज्वाइंट बोर्ड का क्या क्या काम होता है. और लास्ट में आप इसके लिखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन. तीनों ही बोर्ड्स के जो मेंबर हैं उनको किन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? पहला, इनसॉल्वेंट अगर वो हो जाए. दूसरा, अनसाउंड माइंड. तीसरा, अगर वो प्रॉफिटेबल ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं तो. चौथा, अगर अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं तो. पांचवा, अगर वो कोई आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अगर काम करते हैं तो. तो बेसिकली इन सब चीजों से उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हो सकता है. तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. अब अगर इसकी मीटिंग की बात करें तो मीटिंग में हर 3 महीने में इनकी एक मीटिंग कंपलसरी है होनी. अर्जेंट बेसिस पे चेयरमैन उसको मीटिंग को बुला सकता है. पेनल्टीज, अगर मीटिंग नहीं होती इनकी, या अगर कोई गलत काम करता है, आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन चला जाता है, तो उस केस में इनको पेनल्टीज भी लगती हैं. इनको फाइन भी लगता है 10,000 का, या 3 महीने की जेल हो सकती है. ये इनका पनिशमेंट है. और अगर इससे ज्यादा होता है तो पेनल्टी इनकी बढ़ भी जाती है. तो बेसिकली दीज आर द पनिशमेंट्स विच कैन बी गिवन टू द पीपल हु ब्रेक द रूल्स. तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर एक्ट, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड ज्वाइंट बोर्ड. ये सारा का सारा आप अगर वाटर एक्ट आ जाएगा तो ये सब आपने उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करके लिखना है. थैंक यू.